Hello everyone and welcome to the Budget 2021 series. This is the last video in the Budget 2021 series, right? और इस वीडियो में हम देखेंगे की डेटा एंड द ग्राफ्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट फ्रॉम योर प्रिलिम्स परस्पेक्टिव, क्योंकि इसमें यहाँ से आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और ट्रेंड्स पता चलेंगे जिसके ऊपर प्रिलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं. सो प्लीज़ यू नो बी अटेंटिव इन दिस सेशन, राइट? क्लियरली आप देखिए. सो इट विल नॉट टेक मच टाइम, इट विल लाइक 10 टू 15 मिनट्स में हम सारे जो की डेटा और ग्राफ्स कवर कर लेंगे. व्हाट आर दी की डेटा जो हमें बजट में देखना है वो सब हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, राइट? सो सबसे पहली चीज और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बजट में देखनी है, इनफैक्ट जो अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है गवर्नमेंट की फिस्कल पोजिशन, द फिस्कल पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? सो फिस्कल पोजिशन में हम सबसे पहली चीज क्या देखेंगे? फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का, राइट? सो जो रिवाइज एस्टिमेट है फॉर दिस ईयर 2020-21, राइट, इज 9.5% ऑफ द जीडीपी. ओके, फॉर रिवाइज एस्टिमेट फॉर यू नो दिस फिस्कल ईयर इज 9.5% ऑफ द जीडीपी, राइट? और जो नेक्स्ट ईयर है 2021-22 के लिए, राइट, उसके लिए बजट में एस्टिमेट किया गया है कि इट विल बी 6.8% ऑफ द जीडीपी, राइट? सो आप देख सकते हो फिस्कल डेफिसिट, आप देख सकते हो बिकॉज ऑफ कोविड यू नो जो इमेंस राइज हुआ है, ये कोविड के कारण हुआ है. बिकॉज ऑफ कोविड गवर्नमेंट हैड टू यू नो गिव फिस्कल स्टिमुलस, सो देयर वाज दिस इमेंस राइज, राइट? सेकेंडली, अगर आप फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करिए तो बजट में जो पाथ मेंशनड है, इट इज सेड दैट कि वी विल ब्रिंग डाउन आवर फिस्कल डेफिसिट बिलो 4.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025-26. ओके, सो काफी हमारा यू नो एक्सटेंड हो गया, बिकॉज ये यू नो यू कुड टेल दिस, यू कुड यूज दिस फैक्ट टू टेल द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन द फिस्कल पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट, कि कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा है फिस्कल पोजिशन गवर्नमेंट की, यू कुड यूज दिस फैक्ट. नेक्स्टली, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, प्लीज अगेन प्रिलिम्स रिलेटेड, जो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, यू नो इट इज प्रपोज टू बी ऑगमेंटेड. अभी तक 500 करोड़ का होता था, अब उसे 30,000 करोड़ का बनाने का यू नो प्रपोजल है. प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप प्रिलिम्स में इस पे क्वेश्चन आ सकता है इस फैक्ट पे. द नेक्स्ट लास्ट इज दैट NSSF लोन टू FCI फॉर फूड सब्सिडी इज टू बी रिप्लेस्ड बाय मेकिंग बजट प्रोविजन. सो पहले क्या होता था, कई बार जो FCI है वो बेसिकली यू नो लोन लेता था, राइट? एंड दैट लोन वॉज नॉट पार्ट ऑफ द बजट, इट केम एज एन एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, राइट? सो FCI लोन क्यों लेता था? अपनी सब्सिडी के लिए, बिकॉज FCI जो है यू नो इट कैरीज आउट द PDS, और PDS में यू नो काफ़ी फूड सब्सिडी जाती है, क्योंकि जिस कॉस्ट पे परचेज किया जाता है उससे बहुत ही कम कॉस्ट पे यू नो प्रोवाइड किया जाता है फूड ग्रेन. तो जो गैप है दैट इज फूड सब्सिडी, और उसको फुलफिल करने के लिए FCI लोन लेता था, राइट? एंड बिकॉज दैट वॉज लोन टेकन बाय FCI, वो गवर्नमेंट के बजट में नहीं आता था. बट नाउ वॉट इज बींग डन इज दैट दिस इज बींग रिप्लेस्ड बाय, अब सीधा बजट से ही प्रोविजन किए जा रहे हैं उसके. सो नाउ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज में नहीं आएगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन दी बजट, राइट? एंड एक और चीज जो आपको यहां देखनी चाहिए, विच ऑलरेडी मेंशनड इन वन ऑफ द वीडियोस अर्लियर, दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रेंड क्या है. सी, फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड देखिए, फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड जो है विच इज बीइंग प्रिडिक्टेड इज कि 4 points बिकॉज ऑफ कोविड इट रीच टू 9.5% ऑफ आवर जीडीपी. नाउ नेक्स्ट ईयर इट इज गोइंग टू फॉल. सो प्लीज ये फिगर्स याद रखिए, इस पे क्वेश्चन आ सके. रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, देर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, शार्प इंक्रीज फ्रॉम 4.39 लाख करोड़ टू 5.554 करोड़, इट इज अराउंड 34%. ओके, 34% इंक्रीज है. प्लीज ये ट्रेंड्स याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी में. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अच्छा, इतना डेफिसिट है ऑलरेडी, अगेन डेफिसिट ट्रेंड्स. सो नॉट ओनली यहाँ पर आप फिस्कल डेफिसिट देख सकते हो, बट आप प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट भी देख सकते हो, राइट? और आप देखोगे मोर ऑर लेस प्राइमरी, इफेक्टिव और रेवेन्यू डेफिसिट सब के सब सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं. ओके, ऑल फॉलो द सेम ट्रेंड एज फिस्कल डेफिसिट, राइट? सो नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, नंबर्स सिर्फ फिस्कल डेफिसिट के याद करिए. बस इतना ध्यान रखिए कि ऑल दी रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट फॉलो दी सेम ट्रेंड एज फिस्कल डेफिसिट. अगला चीज जो आपको देखना है, दैट इज कहां से ये फाइनेंस होता है, व्हाट आर दी सोर्सेज फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग, और उस डेफिसिट फाइनेंसिंग सोर्सेज में मैक्सिमम कंपोनेंट किसका है. सो यू वुड सी कि मार्केट बोरोइंग्स, एक तो मार्केट बोरोइंग्स देखिए आप, कि मार्केट बोरोइंग्स जो है इट हैज बीन वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स, राइट?
सो मार्केट बोरिंग्स अगर आप देखेंगे सो ऑब्वियसली 2021 में पीक की है, बट इन 21-22 इट इज अगेन गोइंग टू कम डाउन. बट अगेन यू हैव टू सी दी ट्रेंड. आप प्लीज ट्रेंड पे फोकस करिए, राइट? एग्जैक्ट फिगर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है, अगर आप चाहेंगे देखना, फोकस करना, आप देखिए कि एक्सटर्नल डेट कितना है. हाउ मच इज दी एक्सटर्नल डेट? ओके, सो एक्सटर्नल डेट इज वेरी लेस. ओके, बहुत ही कम है, राइट? हमारे डेफिसिट फाइनेंसिंग में एक्सटर्नल डेट इज वेरी लेस. इट इज ऑलमोस्ट, ये यहां पर है, देखिए यहां पर था ज्यादा, राइट हियर, बट यहां पर देखिए इट इज गायब है, पूरा ऑलमोस्ट गायब है यहां पर. सो आई होप यू गेट द पॉइंट. एक्सटर्नल डेट, सो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको इस ग्राफ में आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? और रिगार्डिंग स्टेट्स, अगर स्टेट्स की फिस्कल पोजिशन देखा जाए, सो द नॉर्मल सीलिंग ऑफ नेट बोरिंग फॉर स्टेट्स इज एट नाउ 4.4% ऑफ द GDP फॉर ईयर 2021-22. तो उनके लिए अब इतने तक वो अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा सकते हैं, इतने तक वो बोरिंग कर सकते हैं, राइट? एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू रीच फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3% बाय 2023-24. ओके, दिस इज रिगार्डिंग द फिस्कल पोजिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. नेक्स्ट वी सी कि गवर्नमेंट डेट टू GDP का रेशियो हम देखते हैं. तो अगर आप देखेंगे इसमें 2014-15-16 ऐसे ट्रेंड देखेंगे, सो इट इज इंक्रीजिंग और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है यहां पर. ओके, यहां पर तो ज्यादा इंक्रीज नहीं था, यहां पर मेजर इंक्रीज हुआ है. ओके, सो अगेन जनरल गवर्नमेंट डेट टू GDP हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ड्यू टू कोविड. अगर एक्सटर्नल डेट की बात करें, एक्सटर्नल डेट की बात करें तो रेशियो ऑफ, पहली चीज तो डेट सर्विस रेशियो देखें तो अगेन इट हैज इंक्रीज. सो वॉट इज डेट सर्विस रेशियो? बेसिकली कि कितना गवर्नमेंट की इनकम है कंपेयर टू इट्स डेट रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस. सो रिगार्डिंग द डेट सर्विस रेशियो, लेट मी टेल यू इट इन दिस इन डिटेल. सो डेट सर्विस रेशियो क्या होता है? डेट सर्विस रेशियो इज बेसिकली द डेट सर्विस पेमेंट, जो गवर्नमेंट की डेट सर्विस पेमेंट्स हैं. डेट सर्विस पेमेंट्स, दिस इंक्लूड्स बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाई इट्स एक्सपोर्ट अर्निंग्स. सारी अर्निंग्स नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट अर्निंग्स. ओके, डिवाइडेड बाई इट्स एक्सपोर्ट अर्निंग्स, राइट? और जितना कम हो उतना अच्छा है, राइट? एंड जितना कम हो या इतना अच्छा है. और एक नॉर्मल रेंज होती है 0% से 20% तक, 20% तक इट इज कंसिडर्ड ओके, राइट? ज्यादातर कंट्रीज के लिए इट इज अप टू 20%, राइट? सो बेसिकली जितना कम है उतना, इट इज बिलीव दैट कि गवर्नमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंसिस में बिलीव किया जाता है कि इट इज गुड फॉर दी गवर्नमेंट. ओके, गुड फॉर दी गवर्नमेंट एंड गुड फॉर दी कंट्री, राइट? नाउ नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डेट टू GDP. अगेन आप देखोगे कि अगेन इट इज समवेयर अराउंड 8%, सो काफी कम है, राइट? एंड रेशियो ऑफ शॉर्ट टर्म डेट टू रिजर्व्स, ये अगेन, सो बेसिकली ये जो तीनों इंडिकेटर्स हैं, ये गवर्नमेंट की, इट इंडिकेट्स स्ट्रांग पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट विथ रिलेटेड टू इट्स डेट, राइट? कि एक्सटर्नली हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वी डू नॉट हैव मच ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस. जो भी हमने बोरोइंग की है मोस्टली डोमेस्टिकली बोरोइंग की है. सो दैट्स वाई अगर रुपी मूवमेंट होता है या कुछ होता है तो इतना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हम पे नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट यू शुड सी कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है. ओके, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? तो सबसे मेजर कंपोनेंट जो पैसा आता है वो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज. ओके, जो बोरोइंग से आता है, मेजर चंक जो आता है 36% बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज. सेकेंड मेजर सोर्स इज GST. प्लीज रिमेंबर दिस. इस पे लाइक यू कुड गेट अ क्वेश्चन की व्हाट आर द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट इनकम, या इन टैक्सेस में से किस टैक्स का सबसे मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन. सो सबसे पहले नंबर पे GST, सेकेंड नंबर पे इनकम टैक्स रिसीट्स, थर्ड नंबर पे है कॉर्पोरेशन टैक्स, राइट? फोर्थ नंबर पे यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, एंड देन वी हैव नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, एंड लास्टली नॉन डेट कैपिटल रिसीट बेसिकली जो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आता है, डिसइन्वेस्टमेंट मेनली डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स मेनली. इसके अलावा और भी दूसरी चीजें होती है, राइट? एंड लास्टली कस्टम्स. सो यू गॉट, आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कहाँ से पैसा आता है. मेजरली बोरोइंग्स होती हैं, सेकेंडली फिर होता है टैक्स, टैक्स में भी GST से मेजरली आता है, फिर इनकम टैक्स और फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, राइट? इस पे आपको एक ऑर्डर में अरेंज करने पे क्वेश्चन आ सकता है. अच्छा, अब खर्चा कहाँ होता है गवर्नमेंट का? वेयर डज गवर्नमेंट स्पेंड इट्स मनी?
सो सबसे ज्यादा खर्चा इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट। जो पिछला डेट लिया है, जो पिछला कर्ज लिया है, उसका इंटरेस्ट देने में ही देर इज मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, राइट। उसके बाद आफ्टर दैट द सेकेंड मैक्सिमम यू नो रिसोर्सेज गोज टू स्टेट का जो शेयर होता है टैक्सेस और ड्यूटीज में, उसमें जाता है, राइट। स्टेट्स ऑल्सो हैव शेयर इन देयर यू नो जो डिवोल्यूशन होता है उसके थ्रू। द नेक्स्ट इज यू नो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, राइट, कई जो गवर्नमेंट सेंट्रल सेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उस पर 14%। फिर देन देयर इज यू नो देन देयर इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। बट मेजरली आपको याद रखना चाहिए फर्स्ट हाईएस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, सेकेंड स्टेट्स का शेयर इन द टैक्सेस एंड ड्यूटीज, एंड थर्ड इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, राइट। सो दीज आर द एरिया जहां यू नो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, राइट। डिफेंस पे 8%, सब्सिडीज पे 8%, पेंशन पे 5%। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी कि नेट रिसीट ऑफ सेंटर। अगर रिसीट देखा जाए तो ऑब्वियसली रिसीट्स आर इंक्रीजिंग। एक चीज तो आप जानोगे कि नेट रिसीट्स आर इंक्रीजिंग, गवर्नमेंट की नेट रिसीट्स है। बट एक चीज आप देखिए, सो अगेन ट्रेंड देखें तो 2021 में देर हैज बीन डिक्रीज, बट वापस जो 21-22 में इट इज प्रोजेक्टेड दैट इट विल इंक्रीज। ओके, सो what यू मस्ट हैव सीन, दिस इज कॉल्ड वी शेप्ड रिकवरी। हर जगह आपको वी शेप दिखेगा, दैट्स वाई इतना वी शेप पे फोकस किया गया है। और सबसे मैक्सिमम रिसीट किसकी होती है? नॉन नेट टैक्स रेवेन्यू, मैक्सिमम रिसीट आती है टैक्स रेवेन्यू से। ओके, नेक्स्ट लेट सी जीएसटी, एक इंपॉर्टेंट टैक्स है। तो जीएसटी की कलेक्शन देखी जाए तो जीएसटी की कलेक्शन में इफ यू सी दैट यू नो दिस इज फॉर द प्रीवियस ईयर एंड दिस इज फॉर लाइक दिस ईयर, सो ऑब्वियसली दिस इज यू नो क्रॉसिंग 1 लाख करोड़। ओके, फ्रॉम लाइक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इट हैज क्रॉस्ड यू नो 1 लाख करोड़, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन अगेन। बट यू नो अगर देखा जाए ओवरऑल, सो पिछले साल डेफिनेटली देयर वॉज अ फॉल इन द जीएसटी कलेक्शन, राइट। सो बेसिकली ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखो इस साल का, ओवरऑल ट्रेंड देखो, सो इट हैज बीन इंक्रीजिंग। लास्ट ईयर का ट्रेंड अगर आप देखो, सो इट वॉज स्टेग्नेंट। एंड ऑल्सो आप ये देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन का इम्पैक्ट हुआ था जीएसटी कलेक्शंस पे, राइट। ये सब लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, ये जो इन मंथ्स में है ना जीएसटी कलेक्शंस पे, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर दी यू नो मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर और उसका ट्रेंड क्या रहा है। ओके, अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे सी देखिए, ये ट्रेंड्स देखना बहुत ही जरूरी है बिकॉज ट्रेंड्स पे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे देखा जाए यू नो, सो दिस इज ईयर वाइज, सो देखा जाए तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। ओके, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, राइट। एजुकेशन में देखा जाए तो इट हैज बीन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, सो एजुकेशन सेक्टर में ऑलमोस्ट इट हैज बीन कॉन्स्टेंट। हेल्थ सेक्टर अगेन काफी इंक्रीज हुआ था, फिर थोड़ा सा डिक्रीज है। ओके, सो अगेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, काफी ज्यादा इंक्रीज नहीं है, राइट। रूरल डेवलपमेंट पे आप देखेंगे अगेन, बीच में जो ये ईयर था यू नो कोविड का, उसमें काफ़ी इम्पैक्ट था, बट फिर यू नो इट्स अगेन बड़ा बहुत ज़्यादा, फिर डिक्रीज हुआ, राइट। सोशल वेलफेयर अगेन स्टेग्नेंट, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ओके, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे इंक्रीज हुआ, एंड लास्टली अर्बन डेवलपमेंट पे देयर हैज बीन कंटिन्यूअस इंक्रीज। ओके, सो ये एक क्लियर ट्रेंड है, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्लियर ट्रेंड है। और रिगार्डिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, द एक्सपेंडिचर हैज ऑलमोस्ट बीन स्टेग्नेंट, राइट। देन रिगार्डिंग ट्रांसफर्स टू स्टेट, आप देख सकते हैं यहाँ अगेन दे आर इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली ऑन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यू नो रिसोर्सेज ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूटी। देन कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफर की, स्टेट्स को जो रिसोर्सेज ट्रांसफर होती हैं, लाइक उसमें वॉट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स। सो सबसे पहली जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज डिवोल्यूशन, यू नो डिवोल्यूशन ऑफ द टैक्स रिसोर्सेज। ओके, दैट इज द मेजर कंपोनेंट। ओके, और देखा जाएगा तो लाइक यू नो डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज होगा अब इस साल, राइट। देन स्कीम एंड अदर, जैसे कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है या कोई और अदर ट्रांसफर्स हैं, दैट इज द सेकेंड मेजर कंपोनेंट। एंड लास्ट कंपोनेंट इज द फाइनेंस कमीशन के थ्रू ग्रांट्स। सो फाइनेंस कमीशन एक तो जो टैक्स डिवोल्यूशन का बोलता है वो जो मेजर है, और सेकेंड जो है दैट इज द ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। ओके, सो दिस इज इट फॉर ऑल द मेजर यू नो डेटा एंड द ग्राफ्स इन द बजट, एंड दिस ऑलमोस्ट होलिस्टिकली कवर्स यूर बजट, राइट। And I hope this session was useful for you. Please like and subscribe to have more such informative sessions, which will be very helpful in your preparation.